लेते हैं। अगर मैं वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स को देखूं तो ऐसा है कि 1 ml 1 cm³ के बराबर होता है। प्लीज आप इसको लिख लो, ये बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर। 1 ml 1 cm³ के बराबर होता है और 1 L 1 dm³ के बराबर होता है। प्लीज आप इसको लिख लो, ये कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएंगे। नाउ व्हाट अबाउट टेम्परेचर कन्वर्जन? टेम्परेचर कन्वर्जन भी बहुत आसान है। अगर मैं केल्विन की बात करूं, अगर आप लोगों को डिग्री सेल्सियस दिया और केल्विन में निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? 273 में आप लोगों को डिग्री सेल्सियस को प्लस करना होता है। ये फॉर्मूला होता है केल्विन निकालने का। लेकिन अगर मैं बोलूं चलो फॉरेनहाइट का फॉर्मूला बताओ, तो डिग्री फॉरेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 9/5, ठीक है, साथ में आता है डिग्री सेल्सियस और प्लस उसमें क्या करना पड़ता है आपको? 32 को ऐड करना होता है, 32 को ऐड करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं टेम्परेचर के लिए। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो मैं प्रेशर में आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रेशर में यूनिट होती है जनरली ATM। तो आपको क्या करना होता है ना, आपको अगर बाहर में डेटा दिया हुआ है तो प्लीज आप उसको ATM में कन्वर्ट करो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वैल्यू किसकी किससे बराबर होती है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 1 ATM के अंदर 1.013 बार होते हैं। तो ये बार और ATM ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन 0.013 का फर्क होता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर किलो पास्कल में कन्वर्ट करो तो दैट इज 101.3 किलो पास्कल होते हैं 1 ATM में। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, इन 1 ATM 101.3 किलो पास्कल। 1 ATM में 707 तो टोर होते हैं और 760 ही क्या होते हैं mm of Hg होता है। मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में जब आप प्रेशर को कैलकुलेट करते हो तो 760 mm of Hg लिखते हो। और ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो बहुत चीजें काम आती हैं।